गई तुम्हारी पूजा अर्चना शुरू। अरे तेरे इस घंटी बजाने से अगर भगवान चाहते ना तो क्या बात थी। मेरे लिए भगवान ही सबसे बड़ा आसरा है प्रभा। लेकिन इस आसरे ने तुम्हें कौन सा सुख दिया है? मेरे भाग्य में जो कुछ भी है वो सब कुछ तो मुझे सहना पड़ेगा ना। सहना ही पड़ेगा ना, तो फिर ये घंटी बजाने की क्या जरूरत है? तेरी और मेरी सोच में बहुत फर्क है प्रभा। लेकिन जीवन तो एक ही है ना। अरे जो कुछ भी हुआ या होने वाला है उसके लिए 2400 घंटे रोया तो नहीं जा सकता ना। तो फिर मैं क्या करूं? हर हाल में मस्त रहना सीख। तू तो जैसे हंसना बोलना ही भूल गई है, कुछ तो अपना ख्याल रख। ख्याल रखू किसके लिए? अपने लिए। अरे तुझे पता भी है कि आज का दिन कौन सा है? मुझे सब याद है प्रभा, दिन, तारीख, महीना, और मुझे नहीं याद पड़ता आज कोई खास दिन है। हाँ हाँ तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए तो आज का दिन बहुत खास है। पता है आज मेरी सबसे अच्छी सहेली कुंती का जन्मदिन है। जन्मदिन? हाँ, जन्मदिन मुबारक हो। ये लो, मुंह मीठा कर लो। अब इस आश्रम में और कुछ तो मिलने से रहा तो सोचा शक्कर से ही मुंह मीठा कर दूं। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं सुबह से फूल ढूंढने में लगी थी ताकि तुम्हारे लिए गुलदस्ता बनाऊं। अब ढूंढने जाती हूँ, शायद मिल जाए। फूलों का गुलदस्ता मेरे जन्मदिन पर। हैप्पी बर्थडे कुंती। अरे तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता चला? बस ये समझ लो कि आज के दिन का इंतजार मैं पिछले एक महीने से कर रहा था। लेकिन मैंने तो तुम्हें अपने बर्थडे के बारे में कभी नहीं बताया। अब तो मानोगी ना कि तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानने लग गया हूँ मैं। मैं सचमुच में बहुत हैरान हूँ। अच्छा वैसे ही खड़े खड़े हैरानी होती रहोगी या मुझे अंदर आने के लिए कहोगी? प्लीज कम। थैंक यू। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें ये फूल कैसे लगे? खास तौर पे पसंद किए मैंने तुम्हारे लिए। ये सचमुच मेरे पसंद के फूल हैं। और मैं? तुम्हारे मामले में पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा जी, इसका मतलब मैं किसी लायक हूँ ही नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा मन, तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे आने से मेरी सूनी जिंदगी में बाहर आ गई मन, वरना तो आज का दिन कब आता और कब चला जाता पता ही नहीं चलता। ना कोई फूल ना कोई आशीर्वाद। बाबूजी के लिए तो शायद जिस दिन मैं पैदा हुई थी सबसे मनहूस दिन था। देखो कुंती, आज के दिन ऐसी बातें नहीं किया करते। देखो जरा इन फूलों को कैसे हंसते मुस्कुराते हुए तुम्हें बधाई दे रहे हैं। जब माँ जिंदा थी ना तो आज के दिन मुझे तैयार करके मंदिर ले जाया करती थी और अपने हाथों से खीर बना के खिलाती थी। कुंती, तुम अपनी माँ के साथ अपनी खुशियों को खत्म नहीं कर सकती हो। तुम्हें आज की जिंदगी में अपनी खुशियों को ढूंढना होगा। तुम ठीक कहते हो। आज क्लिनिक जाने से पहले मैं बापूजी के इर्द गिर्द घूमती रही ये सोचकर कि शायद वो अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखते हैं। लेकिन कुंती, तुम जानती हो अपने बाबूजी को, वो इतने सालों में नहीं बदले, अब अचानक एक दिन में कैसे बदल जाएंगे? एक बेटी का अपने बाप से आशीर्वाद की उम्मीद रखना क्या गलत है? तुम ठीक कहती हो कुंती, लेकिन आज के दिन ऐसी बातें करके अपने आप को दुखी मत करो। चलो चलो जरा मुस्कुरा दो।
पार्वती। हाँ बोलो। एक फोन कर लूँ? हाँ कर लो। करनी तो फोन क्यों किया? हेलो कुंती, किससे बात कर रही थी? बाबूजी से। अच्छा, अपने बाबूजी से हो गई बात? हो गई तसल्ली? क्या क्या गालियां दी उन्होंने? मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो फिर तूने फोन किया ही क्यों था? उनकी आवाज सुनने के लिए। की आवाज ही मेरे लिए आशीर्वाद है। तू तो सचमुच कुंती है, महाभारत वाली कुंती। अभी भी उन रिश्तों से मोह लगाए बैठी हो जिन्होंने ठोकर देकर एक बार भी पलट के नहीं देखा कि तू किस हाल में है। ऐसे रिश्तों से तो रिश्तों का ना होना ही बेहतर है। प्रभा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटकर भी जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। और फिर ये तो मेरे बाबूजी हैं, इनकी वजह से ही मेरी ये जिंदगी है। नफरत हो गई है मुझे ऐसे रिश्तों से। अच्छा होता कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा होते ही मार दिया होता, तो ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा छोड़, ये ले। क्या हुआ? खुश नहीं, इस फूल को देखकर ख्वाबों में खो गई थी, लेकिन कांटे के चुभन ने मुझे हकीकत में ला खड़ा किया। तुझसे पूछ रहा हूं कुंती, ये फूलों का गुलदस्ता कौन दे के गया है? गजेंद्र, मैं सरला बोल रही हूँ। तो क्या करूं? मेरी प्लीज कुंती से बात करा दीजिए प्लीज। फोन है तेरा।
हेलो कौन? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। सरना मौसी आप? मैंने तुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया। थैंक यू मौसी। अच्छा सुन, मैं किसी मीटिंग के लिए जा रही हूँ, बाद में फोन करूंगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ हाँ मौसी, वो जो आपने मेरे बर्थडे पे फूल भेजे थे ना, वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ ओके बाय। तूने उस बेस्या के भेजे फूल घर में सजा रखे हैं? कुंती? हाँ? तुम्हें सरला दीदी ने अपने ऑफिस में बुलाया है। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जन्मदिन मुबारक हो कुंती, ये लो फूल। मुझे ये फूल नहीं चाहिए। अरे तेरे लिए प्यार से मंगवाया है। मैंने कहा ना मुझे ये फूल नहीं चाहिए, मुझे वो दीजिए जो मुझे चाहिए। कुंती, जो मैं तुझे नहीं दे सकती वो मुझसे मत मांग। फिर ये झूठ मूठ का दिखावा क्यों? आपके लिए मैं आश्रम की उन तमाम औरतों की तरह हूं। फिर ये फूल, ये बधाई क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जन्मदिन की बधाई मैं तुम्हें हर साल देती आ रही हूँ जब से तुम पैदा हुई हो। एक तरफ आप मुझसे मेरी जिंदगी छीनती हैं और दूसरी तरफ मुझे जीने की दुआएं देती हैं। जिंदगी किसी एक बात पर या एक नाम पर खत्म नहीं होती। जिंदगी का नाम है बढ़ावा। हर एक बात पर आप मुझे नसीहतें देती हैं। एक बार खुद को आप मेरी जगह पर रखकर देखिए, दर्द समझ में आएगा। तुम्हें इस दर्द से बाहर आना होगा कुंती। मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। हाँ, मेरे सबसे बड़ी दुश्मन तो मेरी किस्मत है। हर औरत की तरह मेरी आंखों ने भी सपने देखे थे, लेकिन मेरे सपनों को मेरी आंखों से छीना गया है। तो तेरा इरादा क्या है? पूरी जिंदगी बस दूसरों पर इल्जाम लगाकर रोना चीखना? तो फिर एक अकेली औरत और करे भी क्या? मेरा कोई बस भी तो नहीं चलता है। जब तू ये सब जानती है, पहचानती है, तो ये बेकार की चिक चिक क्यों? क्योंकि मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। मुझसे मेरा अधिकार छीना गया है,
मेरा हक गुस्से और तहश में आकर कुछ ऐसा नहीं करना जिसके वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। इस आश्रम में रहकर मैं तुम्हें इतनी आजादी नहीं दे सकती। आप सबने बड़ी चालाकी से मेरी मजबूरी, मेरी मासूमियत का फायदा उठाया है। हर वक्त यही बात मुझे चुभती रहती है, यही सवाल मेरे दिलो दिमाग में कौनता रहता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों? ये बार बार दोहराने से क्या फायदा कुंती? अपने दिलो दिमाग पर काबू रखो। पापी, मैं हूं ना? मत दिखाइए ये हमदर्दी। इस वक्त मैं इतने तनाव में हूं कि कहीं टूट कर बिखर ना जाऊं। बहुत सह लिया, बहुत चुप रह ली, लेकिन अब मुझसे और सहा नहीं जाता। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूं कि आज नहीं तो कल मैं अपना अधिकार लेकर आऊंगी।